राजाखेड़ा के कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा और धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने मंगलवार को दोपहर में सर्किट हाउस धौलपुर में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा बिजली को सिंचाई के लिए रात में बिजली देने के मुद्दे पर विरोध जताया और सरकार से किसानों को सिंचाई के दिन में बिजली देने की मांग की। दोनों विधायकों ने किसानों को दिन में बिजली दिए जाने के साथ ही सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाए जाने पर भी विरोध जताया। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पूरे प्रदेश में करीब 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र हमारी सरकार ने लगाए थे, जिन्हें भाजपा सरकार ने आदेश जारी कर आज हटा दिया है। सरकार के इस आदेश का हम विरोध करते हैं, क्योंकि इससे युवा बेरोजगार हो जाएगा। वहीं धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बताया कि किसानों को रात में बिजली दी जा रही है, कड़ाके की ठंड में रात में किसान को फसल की सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों विधायकों ने भाजपा को किसान विरोधी सरकार बताते हुए किसानों को सुबह के पर बिजली दिलाने की मांग की है। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता के दौरान राजाखेड़ा के प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, धौलपुर विधायक के प्रतिनिधि उपेंद्र कुशवाहा, गोरेलाल कुशवाहा मौजूद रहे। आप लोगों के बीच में आए हैं क्योंकि कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमारे किसान भाई, हमारे बेरोजगार युवा साथीगण इन दोनों को फेस कर रहे हैं। रात को बेचारे किसान भाइयों को इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि रात को हमारे किसान भाइयों को ठंड में जगना पड़ रहा है और पानी देना पड़ रहा है खेतों में, जो कि पिछले 3 साल से कांग्रेस की सरकार में हमने सुबह बिजली देना शुरू करा था, उसको इनने बिजली को सुबह बिजली देना बंद कर दिया और इसको चालू कर दिया। एक मुद्दा तो ये है हमारा। दूसरा, आज इनने एक ऑर्डर निकाल के हमारे युवा राजीव गांधी युवा मित्र गण थे, जो करीब 5,000 नंबर में थे पूरे राजस्थान में, उनको हटाने का ऑर्डर पास कर दिया। तो इस बारे में आज हम आपके बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं। तो एक बार रेस दे दो इसे।